हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट बाय निसिम एज़ेकिल, स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। निसिम एज़ेकिल की पोयम है ये। तो इसमें हमारे निसिम एज़ेकिल और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के ही क्वेश्चन मिक्स हमारे मिलने वाले हैं एमसीक्यूज के तहत। और शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। निसिम एज़ेकिल एडिटेड द मैगजीन, कौन सी मैगजीन उन्होंने एडिट किया था? क्वेस्ट। और उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कौन सी है? तो बैकग्राउंड कैजुअली उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम निसिम्स वॉल्यूम, कौन से उनके पोएम्स के वॉल्यूम से ली गई है पोएम? द एग्जैक्ट नेम से ली गई है। द स्कॉर्पियन केम इनटू द हाउस, क्यों आ गया था वो घर में बिच्छू? क्योंकि वो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो इट हैज़ बिन फोर्स्ड टू एंटर द हाउस। 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से वो घर में आ गया था और फिर उसकी माँ को काट कर डंक मार के चला गया था। द स्पीकर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मे बी द पोएट और सम अदर पर्सन। द मदर इज़ ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज, वो मदर जो थी एंड में गॉड को क्यों थैंक करती है, क्यों उनका शुक्र अदा करती है? क्यों कि जो स्कॉर्पियन था उसी को उसने काटा, ना कि उसके बच्चों को। उसके बच्चों को छोड़ दिया, उसको काट लिया, तो वो कहती है अच्छा हुआ कि मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा उस बिच्छू ने। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डिस्क्राइब अ मदर सेल्फलेस लव फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम एक माँ का, वो इस पोयम के द्वारा हमें देखने को मिलता है। विच पोयम ऑफ निसिम एज़ेकिल हैज़ द थीम ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ, कौन सी उनकी पोयम है इनमें से जिसकी थीम जर्नी ऑफ लाइफ है? तो वो है एंटरप्राइज। निसिम एज़ेकिल इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज अ पोइट ऑफ सिटी, उनका उपनाम है, क्वेश्चन बन सकता है आप पोइट ऑफ सिटी किस पोइट को कहते हैं हम लोग? निसिम एज़ेकिल को कहा जाता है। निसिम एज़ेकिल हैज़ बीन अ विजिटिंग प्रोफेसर एट लीड्स यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रहे वो। निसिम एज़ेकिल एडिटेड मैनी लिटरेरी जर्नल्स लाइक क्वेस्ट, पोइट्री इंडिया, इम्प्रिंट, ये सारे उनके जर्नल्स हैं जहाँ उन्होंने उनको एडिट किया, एडिटर के रूप में काम किया है। निसिम एज़ेकिल वॉज अवार्डेड, कौन सा अवार्ड उनको मिला? उनकी रचना लेटर डे साल्म के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला था, लेटर डे साल्म के लिए। निसिम एज़ेकिल वॉज बॉर्न इन डैश एंड डेथ इन डैश, 1924 में वो पैदा हुए, 2004 में उनकी मृत्यु हुई। निसिम एज़ेकिल फेमस पोएम इज़ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारा ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नेक्स्ट वन इज़ हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट इन निसिम एज़ेकिल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो उसका पॉइजन है कब तक रहा उस? तो 20 घंटे तक जो है उसको उसकी माँ को तकलीफ हुई, जैसा कि स्कॉर्पियन उनके घर में आ जाता है 10 घंटे की लगातार बारिश के बाद और उनकी माँ को काट के चला जाता है, नरेटर की माँ को। तो 20 घंटे तक जो है वो पॉइजन का दर्द उन्होंने सहा। What did the husband do as a last resort to remove the sting of the scorpion? बाद में जैसा कि किसी भी तरह से जब उनको आराम नहीं मिला तो उन्होंने लास्ट में उसके हस्बैंड ने क्या किया उस लेडी के? Poured paraffin and put a match to it. उन्होंने उस जगह पर जहाँ काटा था उसने वहाँ पर पैराफिन लगा के वहाँ पर उन्होंने आग जला दी, तो जैसा कि जहर सारा मर गया उस बिच्छू के काटे का। एट द एंड ऑफ द पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज़ हैप्पी बिकॉज, मदर एंड में हैप्पी होती है, गॉड को थैंक करती है, क्यों कि जो स्कॉर्पियन ने उसके बच्चों को छोड़ दिया। हाउ डिड द विलेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एज़ेकिल रिएक्ट टू अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो विलेजर्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? दे केम इन स्वाम्स टू कंसोल द फैमिली, बस वो इकट्ठा होकर आ जाते हैं झुंड की तरह, स्वाम्स जैसे कि मधुमक्खियों का झुंड होता है, स्वाम्स कहते हैं उसको, तो उस फैमिली को कंसोल करने के लिए। वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर्ड द हाउस इन एज़ेकिल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन ने एंट्री ही क्यों करी थी उनके घर में, आया क्यों था? ही वाज सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी रेन, जो 10 घंटे की लगातार बारिश हो रही थी वो उससे प्रोटेक्शन चाहता था, विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा गलत है? तो फर्स्ट वन देख लेते हैं। द नरेटर्स फादर कॉल्ड अ डॉक्टर टू ट्रीट हिज वाइफ, ये डॉक्टर को उन्होंने नहीं बुलाया था, पूरी पोयम देखते हैं हम जैसा कि, तो उसमें उनके फादर ने डॉक्टर को नहीं बुलाया था और यही इसका आंसर है, ठीक है, कि यही वाला सही नहीं है, उसमें वो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर को बुलाया था तो ये गलत है, और बाकी हमारे सारे तीनों के तीनों सही हैं, कि जैसे कि द नरेटर्स फादर कॉल्ड अ होली मैन, हाँ उन्होंने एक ओझा को बुलाया था कि वो उस पॉइजन के जहर के असर को थोड़ा कम कर सके। द होली मैन परफॉर्म्ड रिलीजियस राइट्स विद चैंटिंग ऑफ अ स्पेल टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, और उस होली मैन ने, उस ओझा ने कुछ मंत्र इस तरह से जाप किया कि वो जहर का जो दर्द है कम हो जाए। द पॉइजन लॉस्ट इट्स डेडलीनेस आफ्टर 20 आवर्स, और वो 20 घंटे के बाद जो है दर्द उसका रहता है, तो वो 20 घंटे के बाद वो दर्द सही होता है, तो ये सारे सही हैं, फर्स्ट वन इज़ नॉट ट्रू। द स्पीकर्स फादर वाज, स्पीकर जो बोल रहा है, नरेट कर रहा है इस पोयम को, उसके फादर कैसे हैं? अ रैशनलिस्ट।
वेन डिड द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन वियर ऑफ, और 20 घंटे के बाद जो उसका इफेक्ट ख़त्म हुआ पॉइजन का, विच इज़ नॉट ट्रू. द प्लीजेंट एक्सप्रेस्ड द विश दैट द वुमन्स पेन शुड डिमिनिश द एविल इन दिस वर्ल्ड. वो जो प्लीजेंट जितने भी थे, पीजेंट है फ्रेंड्स यहाँ, प्लीजेंट नहीं है, पीजेंट यानी किसान जितने भी इकट्ठा हो गए थे नेबर्स, वो सब यही विश कर रहे थे कि हाँ भाई उसका दर्द ख़त्म हो जाए. दे एक्सप्रेस द विश दैट द पॉइजन शुड रिड द वुमेन ऑफ हर फिजिकल डिजायर्स, द पॉइजन शुड फ्री हर ऑफ ऑल हर वर्ल्डली एम्बिशन. दे ऑल विश्ड दैट द स्कॉर्पियन शुड लीव एट वंस, और वो ये सारी विश कर रहे थे कि स्कॉर्पियन चला जाए, तो ऐसी वो विश नहीं कर रहे थे, बाकी वो सारी विश उसने कर रहे थे. वॉट डिड द नेबर्स डू टू रिलीव द वुमेन्स पेन, नेबर्स ने क्या किया, दे चेंटेड द नेम ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन, वो बार बार भगवान का नाम जप रहे थे, गॉड का नाम. वॉट इज़ नॉट ट्रू, द नरेटर्स फादर कॉल्ड अ डॉक्टर टू ट्रीट इज वाइफ, तो यही है नरेटर के फादर ने डॉक्टर को नहीं बुलाया था. और इसमें भी सेम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ नॉट ट्रू, क्या नहीं है इसका आंसर. तो द नरेटर्स फादर मिक्स सम पाउडर एंड हम एंड अप्लाइड ऑन द मदर्स बाइट, तो जहाँ पर उसकी माँ को बिच्छू ने काटा था वहाँ पर वो कुछ पाउडर पैराफिन लगा के उसका इलाज करता है, तो ये भी ठीक है. द नरेटर्स फादर यूज्ड मेडिसिन, ये भी ठीक है क्योंकि उन्होंने कुछ यूज़ किया था पैराफिन. द नरेटर्स फादर फास्टेड, कि नरेटर के फादर ने फास्ट किया था, नहीं ये गलत है, तो यही वाला हमारा नॉट ट्रू है. निसी मैजिक्यूस एडिटेड द मैगजीन क्वेस्ट, इसका आंसर क्वेस्ट हो जाएगा हमारा. और ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है तो बैकग्राउंड कैजुअली है. हु इज़ बिटन बाय द स्कॉर्पियन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, द मदर, किसको काट लिया था स्कॉर्पियन ने, उसकी मदर को, नरेटर की मदर को. द पीजेंट केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लीज एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times, द पोएटिक डिवाइस यूज इन दिस लाइन इज, तो देखिए इसमें हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच है. और कैसे कि जो पीजेंट थे सारे के सारे किसान थे, स्वार्म ऑफ फ्लीज मधुमक्खी के झंडे जैसे कि झुंड की तरह वो लोग आ गए थे, मधुमक्खी के जो ढेर सारे स्वार्म्स कैसे हैं उसको ग्रुप को, एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड, और गॉड का नेम बर्स्ट कर रहे थे. तो ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच है लाइक करके जो आ रहा है, तो हमारा सिमली हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच. द पोइट्स फादर पॉर्ड अ लिटिल पैराफिन ऑन द मदर्स मदर्स टो बिकॉज, क्योंकि उसके टो में जो है काटा था, क्योंकि उसने पैराफिन डाल के थोड़ा आँख लगा दी थी ताकि वो जहर उसका कम हो जाए. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही वॉन्टेड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन बाय बर्निंग द टो, कि उन्होंने उसको बर्निंग करने के लिए इस तरह से उन्होंने पैराफिन का यूज़ किया था. फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे. वॉट असेसमेंट ऑफ द फादर्स कैरेक्टर हैव यू मेड बाय रीडिंग द पोयम, जो फादर का कैरेक्टर है उसमें हमें क्या मतलब पता चलता है, ही इज़ कंसर्न्ड बट हेल्पलेस, वो हेल्प करना चाहते थे मदर को, दर्द से छुटकारा दिलाना चाहते थे पर वो हेल्पलेस थे. सेप्टिक इज़ अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग, जो उसके फादर थे सेप्टिक्स, उनको बताया गया उनका कैरेक्टर, तो वो क्या होता है सेप्टिक्स, जो कि हर चीज़ में डाउट करते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति. वॉट डिड द विलेजर्स डू वेन दे हर्ड ऑफ द स्कॉर्पियन स्टिंग, विलेजर्स ने क्या किया जब उन्होंने सुना कि स्टिंग स्कॉर्पियन ने काट लिया है उसकी मदर को, तो दे फ्लॉग्ड टू द पोइट्स हाउस, वो पोइट के घर में आ गए. द मदर वॉज तो इन द सेंटर ऑफ द पीपल, और जो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं उस औरत को जैसे कि काट लेता है बिच्छू, तो वो कहाँ थी, सेंटर में थी, सारे चारों लोगों ने उसको सबको चारों तरफ से लोगों ने उसको इकट्ठा हो गए थे सारे. वॉट वॉज द मदर लाइंग ऑन, मदर जो है मैट पर लेटी थी. माई डैश ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, तो ये मदर आ जाएगा कि उसकी मदर ने ही कहा था कि भाई थैंक गॉड है कि उसने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, या मदर आएगा या चिल्ड्रन आएगा. वेयर डिड द स्कॉर्पियन हाइड ड्यूरिंग द रेन, स्कॉर्पियन कहाँ छुप गया था बारिश के समय, बीनेथ सैक्स ऑफ राइस, चावल के बोरे के नीचे. द पोइट्स फादर वॉज सेप्टिक बिकॉज, क्योंकि वो ही डिड नॉट बिलीव इन द पीजेंट्स थ्योरी ऑफ सिन एंड रीजनरेशन, क्योंकि जो पीजेंट्स सारे इकट्ठा हो गए थे वो सारे ये कह रहे थे कि जो वो मदर है उनकी, उनको जो इतना तकलीफ़ हो रही है, तो वो कह रहे थे कि इस तकलीफ़ से इसके पिछले जन्म के पाप धुल जाएंगे, इस जन्म के जो है सारे पाप धुल जाएंगे, इस तरह से वो बातें कर रहे थे. और उसके फादर सेप्टिक थे जो कि डाउट्स रखते थे अपने मन में, तो वो ये सब बिलीव नहीं कर रहे थे. द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ पेनफुल एंड कॉज
causes death. Answer is A. Next one is the peasants came like swarm of fleas. And उसमें figure of speech कौन सी है? तो सिंपली हमारी figure of speech है कि peasant को किससे तुलना की गई है? Swarms of fleas के, मधुमक्खी के झुंड से. तो फ्रेंड्स, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन के इतने क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो हमने डिस्कस किए हैं. और वीडियो देखने के लिए थैंक यू. खुश रहिए, पॉजिटिव.